जबलपुर जिले में अचानक होने वाली मौतों में इजाफा हो गया है। मार्च माह की अपेक्षा अप्रैल के शुरुआत में ही अधिक संख्या देखने को मिली है। जिले के शमशान घाट के रजिस्टर इसकी गवाही बन रहे हैं। जिले में शमशान घाट की हम बात करें तो यहां सामान्य मौत होने पर अंतिम संस्कार के लिए और शव लाने ले जाने की व्यवस्था थी। गुप्तेश्वर शमशान भूमि में मार्च माह में 80 शव का अंतिम संस्कार हुआ है। वहीं अप्रैल माह की शुरुआत सप्ताह में यह आंकड़ा 32 पहुंच गया है। अप्रैल माह में अभी तक यहां 32 लोगों का अंतिम संस्कार हो चुका है। ये अपना कौन सा मुक्ति धाम है? ये अपना गुप्तेश्वर मुक्ति धाम कहलाता है, हाथीताल मुक्ति धाम भी कहते हैं इसे। मार्च माह में कितने मामले आए? मार्च के महीने में जो यहाँ दाह संस्कार जो हुए थे वो 58 दाह संस्कार संपन्न हुए हैं यहाँ मार्च के महीने में। और अप्रैल में अभी जो 11 दिनों का आंकड़ा है वह 32 दाह संस्कार यहाँ संपन्न हुए हैं। यहाँ पे किस तरह के मतलब दाह संस्कार हुए? यहाँ पे सामान्य जो नॉर्मल हैं वही केस मतलब दाह संस्कार हो रहे हैं। कुछ आंकड़े बढ़े हैं केस? हाँ, अभी अगर अपन मार्च में जैसे 58 केस थे और उस तुलना करते हैं अपन तब अभी की अपेक्षा में उससे केस बढ़े हुए हैं, मतलब दाह संस्कार ज़्यादा हुए हैं। मतलब 10 दिन का आंकड़ा लेते हैं अपन उस हिसाब से तो 30 दिन के अंदर वो 3 गुना जाता है। सुनील पुरी गोस्वामी, यहाँ का मुक्तिधाम संचालक हूँ मैं जी। भैया बताएं क्या है, कितनी रोज मट्टी आती है पर डे यहाँ पर? सर अभी देखा जाए 10 दिन से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए, यहाँ पर 9 से 10 लोग डेली आ रहे हैं और अभी 10 दिन के अंदर 61 लोग आ चुके हैं अभी। और मार्च के महीने में कुल 114-113 लोग थे, लेकिन अभी 10 दिन के अंदर ग्राफ बढ़ा मरने वालों का। आज क्या, आज संडे के दिन कितनी मट्टी अभी? 5 हो चुके हैं। और यहाँ पे मट्टी में लोग आते हैं, जनता आती है, तो पानी आने की क्या व्यवस्था है यहाँ? पानी की सर यहाँ पर जो एक बोरिंग लगी हुई, लेकिन इसमें वाटर कूलर की हम लोग कई बार मांग कर चुके हैं नगर निगम प्रशासन से कि हाँ वाटर कूलर लगा दिया जाए ताकि जो आने वाली जनता है उसको भरपूर वहाँ पानी मिल सके पीने के लिए। लोग पानी के पाउच लाते हैं, गंदगी होती है। कितने कुंटल लकड़ी लगती है? 100 में 2.5 से 3 कुंटल लकड़ी लगती है। क्या रेट लगा?